फेसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज विद आरू, और मैं हूं आराधना। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में किसी क्लोथ का रिव्यू नहीं शेयर करने जा रही हूं। इनफैक्ट आज मैं आप लोगों के साथ में एक कुंदन हार का रिव्यू शेयर करने जा रही हूं, जिसे रिसेंटली मैंने अमेज़न से परचेज किया था जब अमेज़न की दिवाली सेल चल रही थी तब। सबसे पहले तो मैं इसकी पैकेजिंग की बात करती हूँ। पैकेजिंग बहुत अच्छी रहती है जावेरी पर्ल्स वाले। जावेरी पर्ल्स का मैं पहले भी आपको रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, शायद इयररिंग्स का। तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, काफी हार्ड पैकेजिंग होती है इसकी कार्डबोर्ड की, जो कि काफी अच्छा लुक देता है, और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा बेटर होता है। सो ये है वो कुंदन नेकलेस, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसे ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इस तरह की बबल रैप में अच्छी तरह से रैप किया हुआ था, बट मैं ये बबल रैप से इसे निकाल चुकी थी बिकॉज मैंने इसे खोल के चेक किया था। कितना ज्यादा सुंदर है, कितना ज्यादा प्रिटी है इसकी जो कुंदन है, इसकी जो पर्ल्स है, ये कितना अच्छा शाइन कर रहे हैं। ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो कि कैमरे में वो ठीक से कैप्चर हो पा रहा है या नहीं, बट यहाँ रियलिटी में जब मैं इसे देख रही हूँ तो इसकी शाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और जावेरी पर्ल्स की अगर हम बात करें तो जावेरी पर्ल्स वाले जो भी नेकलेस देते हैं, जो भी नेक पीस देते हैं, उसकी फिनिशिंग वो माइंड ब्लोइंग बहुत ही ज्यादा अच्छी रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग ओवरऑल कितनी अच्छे से की गई है, कहीं से भी कोई कुंदन निकला हुआ नहीं है, कोई पल डैमेज नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा या छोटा हो, सबकी साइज इक्वली डिफाइन की गई है। तो ओवरऑल मुझे ये नेकलेस बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बैक साइड से ये कुछ इस तरह से है, बैक साइड की भी जो फिनिशिंग है वो काफी अच्छी है, एकदम स्मूथ है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये हमारे नेक पे अगर हम जब इसे वेयर करेंगे तो चुभेगा या मतलब कोई कट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसकी फिनिशिंग बैक साइड से भी बहुत अच्छा है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, एकदम है, कहीं से भी ये हार्ड नहीं है कि हमें। मेरे पास जावेरी पर्ल्स का एक इयररिंग और एक रानी हार ऑलरेडी था कुंदन का लॉन्ग वाला, जैसा कि अनुष्का शर्मा ने पहना है, बट मैंने ये चोकर बेसिकली इसलिए ऑर्डर किया बिकॉज मैंने सोचा था कि जब मैं उस रानी हार को कैरी करूंगी तो मैं एक चोकर भी अपने पास रखती हूँ, सो डेट कि मैं एक चोकर पहनूं और एक लॉन्ग नेकलेस वेयर करूं, सो डेट कि वो ज्यादा अच्छा लगेगा, रानी की तरह लुक्स देगा। और ये है इसके इयररिंग्स। फ्रेंड्स, इयररिंग्स भी काफी छोटे से क्यूट से हैं, मुझे ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। इनफैक्ट अगर हम कोई कुर्ती पहने, पार्टी वेयर काइंड ऑफ कुर्ती पहन रहे हैं और हम उस पर बड़ी बड़ी इयररिंग्स नहीं पहनना चाहते तो हम ये इस पे पहन सकते हैं, बिकॉज ये ना ही ज्यादा बहुत बड़ी है और ना ही बहुत ज्यादा छोटी है। तो ये मुझे काफी प्रिटी लग रही, काफी क्यूट सी है, और इसका भी शेप मुझे बहुत अच्छा लगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी लगी। पहनने के बाद ये नेकलेस कैसा लग रहा है, यहाँ पे मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये इसकी इयररिंग्स भी मैंने पहन ली है, सीरीज इयररिंग्स इसकी काफी ज्यादा लाइट वेट है, ऐसा नहीं है कि हमारे ईयर्स पे कोई बहुत ज्यादा वेट आ रहा हो, बिकॉज हम जब हैवी वेटेड इयररिंग्स पहनते हैं तो फिर वो काफी ज्यादा पेन देता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे ईयर्स पे कोई वेट आ रहा है। और नेकलेस भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना प्रिटी है। मैं इसे स्क्रीन पे आप लोगों के पास ले जाके इसे दिखाती हूँ। सी दिस नेकलेस के लिए जो प्राइस मैंने पे किया है वो है 250 रुपीज। ये था मेरा छोटा सा मिनी रिव्यू इस कुंदन हार के लिए। और वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, एक बड़ा सा लाइक देना ना भूले वीडियो को, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये नेकलेस कैसा लगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।